आज आईएचबी में मैं आपके लिए लाई हूँ यूपी बिहार का बहुत ही स्वादिष्ट खाना। जैसे पंजाब के लिए आलू का परांठा है, वैसे ही यूपी बिहार के लिए सत्तू का परांठा और बैंगन आलू का चौका है। यूपी और बिहार के लोगों का खाना तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उनको चटपटे बैंगन आलू के चौके के साथ गर्मा गर्म सत्तू के परांठे ना मिलें। और जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो एकदम ट्रेडिशनल है, फिर भी बहुत ही आसान है। आप एक बार इसे बनाकर अपने परिवार को खिलाएंगे तो मुझे यकीन है बार बार बनाएंगे। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक गोल बैंगन लिया है जिसका भरता बनाया जा सके, और इसमें मैंने 3 कट लगाए हैं। ऐसा करने से हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि अंदर कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। फिर इसके अंदर मैंने 3 लहसुन की कलियां घुसा दी ताकि जब बैंगन भुने तो लहसुन भी साथ में ही भुन जाए। देखिए जिस तरह से मैं इसके अंदर लहसुन की कलियां घुसा रही हूँ, इसी तरीके से आप भी अंदर दबा दीजिएगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल अपने हाथों में लेकर उसे अच्छी तरह से बैंगन पर लगा लिया है। ऐसा करने से बाद में भुने हुए बैंगन का छिलका उतारना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसके साथ ही मैंने 3 टमाटर और 1 हरी मिर्च पर भी तेल लगा लिया है। मिर्च में एक छोटा सा कट लगाया है ताकि भूनते समय मिर्च फट ना जाए। देखिए जिस तरह से मैं इसको तेल लगा रही हूँ उस तरीके से तेल लगाइए, और यहाँ पे एक छोटा सा कट भी लगा लीजिए। गैस ऑन करके उस पर एक जाली रखकर बैंगन और टमाटरों को मीडियम हीट पर ही भून लें। भूनते समय इन्हें उलटते पुलटते रहें ताकि हर तरफ से ये अच्छे से भुन जाएं। फिर 2 उबले आलू लेकर उन पर भी तेल लगा लें और साथ में हरी मिर्च को भी भून लें। जब सब्जियां थोड़ी ठंडी हो जाएंगी तो देखिए कितनी आसानी से इनके छिलके उतर पा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही इसके अंदर तेल लगाया हुआ था। इन्हें पानी से बिल्कुल ना धोएं वरना इनका स्मोकी फ्लेवर जो है वो कम हो जाएगा। देखिए इसके अंदर से हमने जो लहसुन की कलियाँ डाली थी वो भी अंदर अच्छे से भुन गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। इनको हम रफली काट लेंगे और थोड़ा मैश कर लेंगे। टमाटर की जड़ों को भी अलग हटा दीजिएगा, और इनको ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, मिक्सी में तो बिल्कुल ना चलाएं। थोड़े मोटे मोटे पीसेस जो रहते हैं वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चंक्स आ जाते हैं वो अच्छे लगते हैं। आलू के ऊपर का भी जला हुआ पार्ट अलग कर लीजिए और फिर उनके पीसेस काट के उसे भी साथ में मैश कर लें, और मिर्च की भी जली हुई स्किन अलग हटा दीजिए, उसे छोटा छोटा काट के साथ में ही मैश कर लीजिए, और आपका आलू बैंगन का चौखा झटपट से तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर हम और मसाले भी मिलाएंगे इन्हें मैश करने के बाद। इसमें 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन डालेंगे और 1 ही चम्मच अदरक डालेंगे, 1 चम्मच हरी मिर्च डालेंगे और साथ में 1 बड़ा प्याज बारीक बारीक काट के डालेंगे। ये सारी सब्जियां कच्ची ही डालिएगा, पकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ही 1/2 कटोरी हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। साथ में 2 चम्मच कच्चा सरसों का तेल डालेंगे। कुछ लोगों को कच्चे सरसों के तेल की स्मेल अच्छी नहीं लगती है तो वो चाहे तो किसी और कुकिंग ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इसके अंदर इसी तरह से सब कच्ची सब्जियां मिलाई जाती हैं। और देखिए आपका आलू बैंगन का स्वादिष्ट चौखा तैयार हो गया। अब सत्तू के परांठे के लिए सत्तू लेंगे, जो कि भुना हुआ चने का आटा होता है, ना कि बेसन होता है। ये प्रोटीन से भरपूर होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। देखिए अगर आपको ऑनलाइन ना मिले तो इस तरह से भुने हुए चने को छिलका उतार के पीस लीजिए, आपका सत्तू का आटा होममेड ही तैयार हो जाएगा। यहाँ हमने 1 कप सत्तू का आटा लिया है और उसके अंदर 1/2 चम्मच कटा हुआ लहसुन और 1/2 चम्मच अदरक और 2 चम्मच हमने कटा हुआ प्याज लिया है बिल्कुल बारीक बारीक काट के, साथ में 1 हरी मिर्च भी डाली है और 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया लिया है। साथ में इसके अंदर मगरेल भी डाला है 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच ही अजवाइन डाला है। 1 चुटकी हल्दी भी डाली है और 1/2 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। यहाँ पर इसके अंदर जो है आम का अचार बहुत ही अच्छा लगता है, इसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच भर के आम का अचार लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी लूँगी। साथ में कुछ 2 चम्मच के करीब कच्चा सरसों का तेल भी लिया है। 1/2 नींबू का रस भी निचोड़ लीजिए। नींबू के रस से इसके अंदर जो खट्टापन आता है उसका तो जवाब ही नहीं है।
एकदम चटपटा और खट्टा बनता है। जो पीसेस ज़्यादा बड़े हैं उन्हें चाकू से इस तरह से काट लीजिए, और अगर कोई गुठली का पीस आ गया हो तो उसे भी हटा दीजिएगा। इन सबको आपस में अच्छे से मिला लीजिए। मिला के फिर इसको चख के भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें पानी भी डलेगा, अभी थोड़ा सूखा सूखा सा है। फिर इसको मिला लीजिए अच्छे से, जिस तरह से मैं इसे मिला रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा चख के देखूँगी कि इसका फ्लेवर सही बैठा या नहीं बैठा। अगर कुछ कमी होगी तो उसे भी मैं और पूरा कर लूँगी। थोड़ा सा लिया है और फिर चख के देख रही हूँ, तो इसके अंदर मिर्च थोड़ी कम है, इसलिए मैं इसके अंदर आधा चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे ये चटपटा बने। सत्तू के परांठे थोड़े चटपटे ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा नमक मिर्च इसमें तेज़ हो तभी इसमें मज़ा आता है। अब मैंने अलग से 2 कप प्लेन आटा लिया है, गेहूं का आटा, उसके अंदर 1 चुटकी नमक डाल के इसे गूंद लीजिए। आटा बिल्कुल मुलायम गूंदिएगा, ज़्यादा कड़ा ना हो, पूरी की तरह नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट आटा ही होना चाहिए। फिर इसके ऊपर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लगा के इसे अच्छे से 5-10 मिनट के लिए मसल के रख लीजिए किसी और अलग बर्तन के अंदर। देखिए कितने आराम से इसके अंदर फिंगर जा रही है, इसका मतलब ये सही गूंद गया है। इसे किसी अलग बॉल में उठा के रख दीजिए ढक के 15 मिनट के लिए। अब इसमें से थोड़ा सा आटा लेके उसका पेड़ा बना लीजिए। आटा थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि इसके परौंठे थोड़े मोटे होते हैं। थोड़ा सूखा आटा लगा के इसे अपनी उंगलियों की सहायता से और अंगूठे की सहायता से घुमाते हुए गोल गोल कटोरी की शेप का बना लीजिए। बीच में से थोड़ा मोटा रखिएगा और किनारे थोड़े पतले रखिएगा। देखिए जिस तरह से मैं इसे कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम सत्तू को भर लेंगे। 2 चम्मच सत्तू का मसाला इसमें भरिए और उसको भी थोड़ा दबा दबा के भरिएगा। फिर इसको सब तरफ से इस किनारे से इसके मिलाते हुए, सब किनारों से करते हुए इसे सील कर लीजिए। देखिए आपका पेड़ा बिल्कुल तैयार। इसको हाथ से ही थोड़ा सा पहले गोल गोल कर लीजिए, जिससे आपको बनाने में आसानी रहे। सूखा आटा लगाते हुए इसे चकले पर बेलन से बेल लीजिए। बहुत हल्के हल्के हाथों से बेलिएगा ताकि ये फटे ना। वैसे अगर ये फट भी जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें इसे तलना नहीं है, हमें तो इसे तवे पर ही बनाना है, कढ़ाई में तलना नहीं है। एक तरफ से जब ये थोड़ा सिक जाएगा तब इसको पलट लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा घी लगा लीजिए। सत्तू का परांठा देसी घी में ही अच्छा लगता है। जब ये घी लग जाए तो फिर इसे पलट लीजिए। देखिए कितने अच्छे इसके अंदर से स्टीम भर गई और बिल्कुल बैलून की तरह ये फूल गया है। इसका मतलब ये अंदर तक सिक गया है और आपका परांठा इसी तरह से तैयार हो गया। आँच को थोड़ा हल्का ही रखिएगा। इस सत्तू के परांठे को गर्मा गर्म सर्व कीजिए बैंगन आलू के चोखे के साथ।